तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और ये मैं अलता लगा रही हूँ। आज गणगौर की पूजा है, तो आप सबको गणगौर की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और नवरात्रि की भी मैं आपको विश नहीं कर पाई थी, तो पहले मैंने अपनी बेटी को लगा दिया था, फिर मैंने लगाया था। तो बस मैं वही आपके साथ शेयर कर रही थी कि हम लोगों के साथ साइड कुछ इस तरीके से अलता लगाया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ पहले कन्या को लगाया जाता है, तो पहले मैंने अपनी बेटी को लगा दिया था, फिर मैंने उसको लगाया हुआ था। तो देखिए, कोई मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। और जो जिनकी यहाँ शादी हो चुकी होती है, हम लोगों के साइड इस तरीके से लगाए जाते हैं। साइड में इस तरीके से दो जो लाइन मैंने डॉट किए हुए हैं, इस तरीके से लगाया जाता है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और मैंने कुछ अपना ऐसे पूजा का जो है सूट किया हुआ था, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। और ये मेरा बेटा भी आ गया, बोलता मुझे भी लगाना है, तो फिर मैं इसको लगाने लगती हूँ। तो चलिए मैं आपको पूजा दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पूजा की हुई है। तो ये देखिए, मैंने पूजा यहाँ पे लगाई हुई है मंदिर के जस्ट साइड में, क्योंकि आप देखिए फिर मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ मैं मोबाइल से मुझे जो है स्टोरी जो इसमें होती है वो मुझे नहीं आती, तो मैं मोबाइल से सुन रही थी। और यहाँ पे क्या है कि मैं इसके जस्ट सामने लगाती हूँ, फिर अंदर कुछ भी पूजा पाठ वाला सामान रखा रहता है तो निकालने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने मंदिर के जस्ट साइड में पूजा लगाई, ताकि मैं कुछ भी सामान हूँ तो ईजी तरीके से उठा पाऊँ। और आप देखिए कितना मैसी हो जाता है जब पूजा करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ उठा उठा कर बाहर रख लेते हैं। और बस इसलिए क्योंकि बच्चे भी हैं, तो एक साथ लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बार बार उसमें हाथ लगाते हैं और इस तरीके से करते हैं। तो मैं बस जस्ट आपको ऐसे ही सूट करके दिखा रही थी। तो आप देखिए, और पूरा मैसी है, पूरा फैला हुआ है। ये जो ट्रांसपेरेंट डिब्बा रखा है, इसमें हवन सामग्री है, और मैंने कुछ घी भी पिघलाया हुआ था हवन सामग्री में डालने, तो वहाँ पर वो डोंगे में वो रखा हुआ है। यहाँ पे घी का डिब्बा रखा हुआ है, इसमें सारे पूजा पाठ के सामान रखे हुए हैं। इसमें घी के डिब्बे के बगल में विश्वकर्मा के जो फूल होते हैं जो इस पूजा में लगते हैं, वो रखा हुआ है, आप देखिए। और यहाँ कुछ बेसन के गहने बनाए जाते हैं, वो मैंने बना करके इसमें रखा हुआ था। तो आप देखिए, ये कुछ इस तरीके से, और मैं कथा सुन रही थी। और वहाँ थाली में वो विश्वकर्मा के जो फूल होते हैं उसको उसमें भिगो करके रखा गया है, ताकि वो कलर छोड़ दें, फिर उसी में भगवान को देखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, आप देखिए। आई होप आपको अच्छा लगे। पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है जो जो आपके पास अवेलेबल हो, तो मैंने ऐसे। और इसमें मैं आम का पत्ता भी होता है, तो आम का पत्ता भी मैंने चढ़ाया हुआ है, ये जो लगा हुआ है, आप देखिए। तो इस तरीके से हम पूजा कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, बच्चे भी पीछे शैतान करते रहते हैं। फिर जब ये जब पूजा दिया जो होता है ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद मैं इसको क्लीन करती हूँ। फौरन क्लीन नहीं किया जाता, ऐसे ही फैला रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैं हवन लगाती हूँ, तो हवन का बीच में रखा हुआ है छोटा सा, तो आप देखिए ये रखा हुआ है पॉट, उसी में हवन करती हूँ मैं। तो बस मैं स्टोरी सुन रही थी, और फिर स्टोरी सुनते हुए फिर मैं एंड कर दूंगी। और ये सब ना मेरे बेटू ने शूट किया हुआ है, तो मैंने कहा चलो जब उसने इतने दिल से शूट किया है तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूं। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी शूट कर रही है, उसने ढंग से शूट नहीं किया, बहुत छोटी है तो उसने शूट किया, यही बहुत है। तो देखिए यहाँ रखा हुआ है, बस वही वही दिखा रही है वो, तो प्लीज़ बोर मत होना, अच्छे से इंजॉय करना अगर अच्छा लगे तो। इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मैं आपको बताती जाऊँ। तो यहाँ मैंने आरती भी कर ली थी, और स्टोरी बाद में सुन रही थी, जबकि स्टोरी पहले सुननी पड़ती है फिर आरती करनी पड़ती है, बट इस बार मैं अकेली की पूजा, तो मैं बहुत थक गई थी तो मैं लेट गई। और मैंने थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई हुई थी, बस ऐसे ही, तो मैं आपको दिखा दूँ कि अच्छी लग रही थी। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।